पिवट टेबल में हम बात करते हैं शॉर्टिंग, कि हम डेटा को शॉर्ट कैसे करें। तो इस केस में हम यहाँ पर राइट क्लिक करके जाएंगे, शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे वैल्यू का अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो जस्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड शॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सिंपल। मुझे अगर नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो यहीं पे हम नेम के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हैं, और मुझे यहाँ पे हेडिंग के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो यहाँ इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने नेम को उठा के रख दिया, सिटी को उठा के कॉलम में रख दिया, तो आप जो है लेफ्ट टू राइट भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो पिवट टेबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरीके से शॉर्ट करता है, और जिस पे राइट क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा शॉर्ट होगा। लेकिन शॉर्ट में जब क्या होता है कि अल्फाबेटिक शॉर्ट होता है, मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से करना। मान लीजिए मेरा पटना होम टाउन है और ये मेरा मेन सिटी है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले हो। तो दो तरीके हैं, एक तो है कि आप यहाँ राइट क्लिक करें और यहाँ से मूव कर लें, मूव पटना टू बिगिनिंग, अप डाउन लेफ्ट, जहाँ करना चाहते हैं वहाँ मूव कर सकते हैं आप। या फिर इसके ऊपर कर्सर रखें, कर्सर जहाँ पे कर्सर है उसके सबसे लास्ट वाले पार्ट में जाएं, किस कुछ इस तरह का माइक सिंबल बनेगा, इसका क्या बोलते हैं माउस का सिंबल, फिर उसको उठाइए और जहाँ रखना है वहाँ आप मूव कर सकते हैं। एक साथ कई को रखना है तो कई को भी सिलेक्ट कीजिए और इसको मूव कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट टू राइट मूव करना है या टॉप टू बॉटम मूव करना है, आप यहाँ भी इसको मूव कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माउस पे कमांड होना चाहिए।